अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कहा कि कंपनियां अपनी मनमर्जी से मूल्य वृद्धि करके एमआरपी लिख देती हैं और आम लोगों को लूटने का काम करती हैं। कंपनियां कभी भी एमआरपी के साथ वस्तु की लागत नहीं बताती। देश में वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश का कहना है कि जो वस्तुओं की कीमत है उससे एमआरपी बहुत ज्यादा है। कंपनी प्रोडक्ट पर वस्तु की जो लागत है उस लागत की किसी को जानकारी नहीं देती। कंपनियां मनमानी तरीके से वस्तु पर एमआरपी दर्ज कर देती है। सैकड़ों हजारों की तादाद में वस्तुओं को डबल रेट में बेचा जा रहा है और लोगों से पैसे की लूट खसोट मची हुई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सरकार से मांग की है कि दवाइयों और वस्तुओं की जो लागत है उसके आधार पर कीमत तय की जाए और ग्राहक को सही दाम पर यह सामान मिले। उन्होंने कहा, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें संगठन के माध्यम से जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और वो इस वर्ष हमारा प्रमुख विषय उसको हमने माना है, वो इसलिए माना है कि इस विषय में हमें सरकार से बात करनी है और सरकार से बात ये करनी है कि एमआरपी जो लिखी जा रही है ये वास्तव में महंगाई को बढ़ाने का कारण है। ये जो एमआरपी लिखी जा रही है इसका कोई फार्मूला नहीं है। अभी तक कितने में एमआरपी लिखी जाएगी उसका फार्मूला क्या रहेगा, ये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। वो चीज़ बनी कितने में है, वो चीज़ अगर मान लीजिए कि 2 रुपए में बनी है तो 2000 एमआरपी क्यों लिखी है उस पर, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जिसकी जितनी मर्जी होगी उतना वो करेंगे। ये जो ब्रांडेड वगैरह जो चीज़ है ना, ये इसी के आड़ में चलते हैं ये सब, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। और इसलिए हमारा कहना है कि एमआरपी पर पॉलिसी बने। इसमें एक विषय आता है जो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा और विज्ञापनों के माध्यम से हम देखते हैं कि एमआरपी पर आपको बार्गेनिंग करने का अधिकार है, एमआरपी से ऊपर कोई नहीं बेच सकता है। लेकिन हमारा विषय यहाँ तक सीमित नहीं है। वो जो बता रहे हैं ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, ये ग्राहक को समझना ही चाहिए। एमआरपी से ऊपर कोई नहीं बेच सकता, ये बात सही है, लेकिन एमआरपी लिखेंगे किस आधार पर, ये इसके बारे में मौन है। और इसलिए सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। इसमें सरकार को भूमिका निभाने के लिए पहले हम समाज में जागरण करना चाहते हैं इसमें, कि समाज में ये विषय चर्चा में आए। चर्चा में आएगा तो सरकार पर भी एक दबाव बनता है कि समाज के मन में ऐसा कुछ है तो उसको लेकर हल करने के लिए प्रयास होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।